Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe. आपको पता है ना रेणुकूट में कोरोना आ गया है तो आप लोगों को बी केयरफुल रहना चाहिए. बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. अगर किसी काम से मम्मी पापा कोई भी बाहर जाए तो आप याद दिला देना कि मास्क लगा के जाइए और सैनिटाइजर साथ में रखा करे, है ना. और आप तो बिल्कुल नहीं जाओगे, छोटे बच्चे जो है उनके लिए तो अलाउड ही नहीं है. ओके, अभी हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे ना ड्रेसेस शू, तो ड्रेसेस शू आज मैं कंटिन्यू करूंगी. तो 26 पेज शैमर से मैं स्टार्ट करती हूँ. आप लोग सारे बच्चे अच्छे से रीड करोगे. रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश. आपको पता है ना इंग्लिश वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप कहीं भी जाके किसी के साथ भी अच्छे से बात कर सकते हो. इसलिए इंग्लिश आपको सीखना है और वो भी बहुत अच्छे से. इसलिए अभी तक क्लास वन में हूँ. अभी से जैसे मैम पढ़ा रही है थोड़ी थोड़ी, देखिए 2-1-3 स्टैंजा लेके हम चल रहे हैं. तो हर रोज रीड करिए, कई बार रीड करिए, वीडियोस को पॉज कर करके सुन सुन के. अगर मम्मी पापा जो भी आपको हेल्प करते हैं उनको साथ में लेके, आपको तो इतना कुछ पता नहीं है, मम्मी आपको बता देंगे कि कैसे पॉज करके आपको देखना है सुनना है. लेट स्टार्ट. शैमर्स डायलॉग. शैमर द स्ट्रीट माउस सीज देम. ही थिंक्स दैट दे माइट नीड सीजर. टुगेदर द थ्री फ्रेंड्स गो टू द बार्बर. कल हम बताए थे आपको ना शैमर जो कि ना स्ट्रीट माउस है. माउस मीन्स जो चूहे होते हैं उसको हम लोग माउस बोलते हैं. स्ट्रीट मीन्स बड़े रास्ते. तो उधर कहीं वो रहता था तो वो देखा इन डैड को और ट्रेसी को. फिर उसको लगा कि दे माइट बी नीड सीजर. इन दोनों को शायद सीजर मतलब कैंची जो होती है ना उसको सीजर बोलते हैं, शायद वो कैंची का जरूरत है. टुगेदर द थ्री फ्रेंड्स गो टू द बार्बर. तो ये लोगों को पता है कि बार बार मीन्स नाई, नाई के पास सीजर होते हैं तो हम लोग बार के पास चलते हैं. अभी देखिए पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि जो टैड जो पप्पी हैं उन्होंने जाके जो बार बार अंकल है उनको कुछ बोल रहा है. क्या बोल रहे हैं? बार बार मेंड दी शू, गेट इट डन बाय 2:30. क्योंकि 2:30 बजे तक ट्रेसी को घर पहुंचना था इसलिए ये लोग बोल रहे बार बार अंकल को बार बार मेंट दिस शू कि बार बार अंकल इस जूते को आप बना दीजिए. गेट इट डन बाय 2:30 बजे तक इसको चाहिए. तो बार बार अंकल अभी क्या बोले, ये सब छोटे बच्चे हैं तो इनको अच्छे से वो बताए. आई यूज सीजर्स. मैं सीजर तो यूज करता ही हूँ बट आई कट हेयर मतलब हम हेयर कटिंग करते हैं मैं हम. यू नीड अ नीडल. आपको एक नीडल की जरूरत. नीडल में सुई. टू स्टिच योर शू. द टेलर हैज द नीडल. तो बार बार अंकल इसको इन लोगों को बताएं कि मेरे पास तो नीडल नहीं है, नीडल है आपको चाहिए जो सुई से आपका जूता जो सिला जाएगा. तो आप लोग कहाँ जाओगे? आप टेलर के पास जाइए. टेलर के पास नीडल होते हैं. तो ये सब सुन के ट्रेसी को तो अच्छा नहीं लग रहा कि मैं कहाँ कहाँ घूमू फिर मेरा जूता भी नहीं बनेगा, 2:30 बजे तक पहुंचना है. तो ट्रेसी क्या हो गया? सैड हो गई. अब देखिए ट्रेसी इज सैड. सी स्टार्ट्स वीपिंग अगेन. लूसी द काउ हियर्स हर क्राई. सी रन्स फॉर हेल्प. दे गो टू द टेलर. ट्रेसी क्या हुआ? ट्रेसी सैड. ट्रेसी तो सैड हो गई. सी स्टार्ट्स वीपिंग अगेन. फिर से ट्रेसी रोने लगी. जब ट्रेसी रोने लगी लूसी द काउ. अभी एक काउ जो कि ना अभी टेड और ट्रेसी फिर शैमर ऐड हो गया, ये तीनों फ्रेंड्स में कुछ बातचीत हो रहे और उसके बाद ट्रेसी सैड भी हो गई फिर रोने लगी. ये सब कौन देखे? एक काउ जिसका नाम है लूसी. हियर हर क्राई मतलब हर किसको बोल रहे हैं? ट्रेसी को. ट्रेसी का रोना सुन के अभी लूसी जो कि ना एक काव है वो फिर दौड़ के आए. सी
runs for help. She runs for help. Help के लिए लूसी कहाँ है? जहाँ ट्रेसी टैड ये लोग थे उधर आ गए. They go to the टेलर. अभी फोर फ्रेंड्स मिल के कहाँ गए? टेलर के पास. अभी देखिए लूसी बोल रहा है क्योंकि लूसी आया एड हुआ, फिर लूसी का ही डायलॉग है इधर. टेलर टेलर मेक दिस शू गेट इट डन बाय 2:30. टेलर अंकल के पास गए, फिर ये लोग सब मिलके गए, लेकिन लूसी ने बोला कि टेलर टेलर मेक दिस शू इस जूते को बना दीजिए जिसको कि ना 2:30 तक चाहिए. अभी टेलर अंकल, ये टेलर अंकल है इनके पास तो नीडल तो है, लेकिन अभी टेलर अंकल कुछ बोल रहे हैं. आई हैव अ नीडल. हाँ मेरे पास तो नीडल है, बट आई शो क्लोथ्स. मैं कपड़े सिलते हैं, हम कपड़े सिलते हैं. गो टू द कॉबलर ही मेन शू. आप लोग कहाँ जाओगे? कॉबलर के पास जो कि ना शू को बनाते हैं, उनके पास जाइए. टुगेदर द फोर फ्रेंड्स गो टू द कॉबलर. चारों फ्रेंड्स मिलकर अभी कहाँ गए? कॉबलर के पास गए. कॉबलर कॉबलर मेन दिस शू गेट इट डन बाय 2:30. अभी देखिए पिक्चर में ये टैड है, टैड जाके कॉबलर अंकल ही हैं, इनके पास जाके बोल रहे हैं कॉबलर कॉबलर मेन दिस शू गेट इट डन बाय 2:30. आप इस जूते को प्लीज बना दीजिए ऐसे. अरे ये सारे छोटे बच्चे तो कॉबलर अंकल को अच्छा लगा, फिर उन्होंने क्या किए, द कॉबलर टेक्स द शू, उस जूते भी ले लिए. ही लुक्स एट इट, उनका काम भी हुई है तो वो फिर देखने लगा. देन ही स्टार्ट्स वर्किंग विथ हिज नीडल. फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिए जो उनका नीडल है, सुई है, उसके साथ. हैमर एंड अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड. हैमर मीन्स जो हथौड़े होते हैं उनके पास ये रहते हैं, ये जरूरी भी है. और स्ट्रॉन्ग थ्रेड, थ्रेड में धागा. वन स्टिच हियर एंड वन स्टिच देयर एंड द सुई इज मेंडेड. एक मतलब सुई इधर चला रहे, फिर दूसरा सुई इधर चला रहे, फिर स्टिच जो है स्टिच कर रहे थे इधर एक बार, फिर इधर एक बार, फिर उसका शू भी बन गए. अल्टीमेटली लूसी को, ट्रेसी को मतलब थोड़ा थोड़ा खुशी आने लगा, हैप्पी हो रहे थे कि मेरा जूता बनने लगे, अभी तो हम 2:30 तक मतलब अपने घर पहुंच सकते हैं. आप इतना याद रीड करिए, कई बार रीड करिएगा रिपीटेडली. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट स्टैंजा रीड करके आपको अच्छे से समझा दूंगी, साथ में इतने सारे एक्सरसाइज हैं ये भी आपको बता दूंगी. ओके.